पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जगतपुरी वार्ड नंबर 209 से AIMIM की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हाजी शाहनवाज की एक चुनावी सभा का आयोजन खुरेजी चौपाल पर किया गया, जिसमें सांसद सैयद इम्तियाज अलील ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा मजलिस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हाफिज ने विशेष अतिथि की हैसियत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाजी शाहनवाज की हिमायत में आयोजित की गई इस सभा में मोहम्मद इलियास सैफी, करीमुल्ला चौधरी, मकीजुद्दीन चौधरी, बादशाह भाई, राशिद मलिक, शेरू मलिक, हाजी अच्छे मंसूरी, कमरुद्दीन इदरीसी, नौशाद अंसारी, अमीरुद्दीन मारूफ, रऊफ सैफी आदि गणमान्य व्यक्ति भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मंच का संचालन सलीम रिजवी द्वारा किया गया। चुनावी जनसभा से पहले हाजी शाहनवाज अपने सपोर्टर्स के साथ ढोल ताशों के साथ गलियों से गुजरते हुए सभा स्थल पर पहुंचे। भारी जनसमूह हाजी शाहनवाज की चुनावी सभा में देखने को मिला। उनके समर्थक बड़ी गर्मजोशी के साथ हाजी शाहनवाज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रिपोर्ट करता हूं कि दिल्ली का इलेक्शन कैसा चल रहा है। मैं आज असद साहब से ये कहूंगा कि शाहनवाज साहब की तो चल पड़ी। क्योंकि जो जोश और जो जज्बा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बीच में, उससे एक बात यकीन है कि 4 तारीख के दिन कौन कितनी कोशिश कर रहा है, कौन कितनी साजिश कर रहा है, कौन कितने षड्यंत्र रच रहा है, इंशाल्लाह यहाँ पर तो सिर्फ पतंग ही उड़ने वाली है। मैं आज कई सारे जलसे अटेंड करके आया हूँ। शाहनवाज भाई को ये बताना चाहता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारी जगहों के ऊपर जब जाते हैं, जब लोगों को देखते हैं तो उनकी आंखों में ही पढ़ लेते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन अपनी कामयाबी दर्ज कराएगी। शाहनवाज भाई, आपको ऐसा लग रहा होगा या आप ये सोच रहे होंगे कि आपका टिकट कटा है। मैं ये सोच रहा हूं और मेरा यकीन बड़ा पुख्ता है कि ये सब करने के बीच में एक हकीकत ये है कि अल्लाह रास्ते बनाता है और ये रास्ता अल्लाह ने आपके लिए बनाया है। दिल्ली के इंचार्ज अली मर्तबत सैयद इम्तियाज जलील साहब को सुनना है कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। इस फलसफे को अपने सीने से लगा लीजिए। अगर सियासी तौर पे मुत्तहिद हो गए तो तुम ही गाजी रहोगे, तुम ही फातिह रहोगे। ये अगर हम और आप जो रात दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, अपनी बेडरूम में बैठकर, अपने बिजनेस प्लेसेस पर, अपनी चौपालों में बैठकर एक बात का खूब जिक्र करते हैं, वो जिक्र ये है कि हमारी तरफ हमला चारों तरफ से, हमारी शिनाख्त खतरे में है, हमारा मजहब पे हमला हो रहा है, हमारी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल पे पूरा कदम लगाने और एक खतरा मंडरा रहा है, हमारी सियासी हैसियत मिटाई जा रही है और हम सिर्फ अपने जिक्र आपस में करके रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर वो कौन सा लम्हा आएगा कि हम सियासी तौर पर मुत्तहिद होंगे और अपने मसाइल का हल ढूंढेंगे। आप डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है और किस तरीके की रैली जो आप अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत बढ़िया है और हम जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले को मात दे रहे हैं पूरी। अच्छा, जैसे मुस्लिम्स, आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मुस्लिम्स का वोट मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको जानी मानी शख्सियत है और बहुत लोगों से मिलकर चलते हैं, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए आप ऐसे क्या काम कर रहे हैं जो वो आपको वोट दें? आप शायद सिर्फ इस एरिए में आके खड़े हुए हैं इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अदरवाइज आप मेरे दूसरे भाइयों के पास जाइए तो वो आपको बताएंगे कि हाजी शाहनवाज किस शख्सियत का नाम है और किस तरीके का वो अखलाक रखता है अपना,
किस तरीके से लोगों से बात करता है या किस तरीके से लोगों की अच्छे बुरे वक्त में काम आता है, ये आपको वो लोग बताएंगे। मेरे बताने से तो अपने मियाँ अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा मुझे बताएं कि आम आदमी पार्टी अपनी अलग छवि छोड़कर जा रही है, कांग्रेस अपनी अलग छवि छोड़कर जा रही है, तो ऐसी क्या खासियत है AIIMM में जो कि आप लोग उनको वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं? ये अभी आप अगर पुराने कुछ टाइम में देखते हैं, अभी यहाँ कोरोना चला, अकेले हाजी शाहनवाज ऐसे आदमी थे जिनके कंधे पर सिलेंडर होता था और हाथ में राशन का बैग होता था। हमें सिर्फ यहाँ हाजी शाहनवाज को देखा, बाकी हमने यहाँ किसी को काम करते हुए नहीं देखा। बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात ये इलेक्शन MCD का पार्टी बेस पर नहीं होता है, ये कैंडिडेट की अपनी छवि पर होता है। और हमने यहाँ हाजी शाहनवाज को पूरे लॉकडाउन उनको सिलेंडर ढोते हुए, ऑक्सीजन लाते हुए, राशन बांटते हुए, छोटे बच्चों को चप्पल बांटते हुए, उस टाइम इतनी गर्मी थी कि बच्चों को लेकर जो लोग पैदल रास्ते में निकले हुए थे गाँवों के लिए, सिर्फ हमने हाजी शाहनवाज को देखा उनकी सेवा करते हुए। यहाँ से ग्रेटर नोएडा तक और एस्कॉट हॉस्पिटल तक हाजी शाहनवाज ने मरीजों को पहुँचाया, उन्होंने राशन दिया लोगों को। हमें हाजी शाहनवाज को देखना। जी हाजी शाहनवाज, जैसे कि हमें पता चला कि आम आदमी पार्टी से थे, अब वो उन्होंने पार्टी लिए AIIMM की, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्यों, क्या वजह रही जो पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने शाहनवाज जी को टिकट नहीं दी? ये मुस्लिम सीट थी, उनको ये गलत, उन्होंने टिकट ये भेज दी। मनीष जी के पिए हैं इनके चाचा शिवदत्त कौशिक के, उन्होंने लास्ट मौके पे सीट उनको दे दी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये शाहनवाज जी जो है जमीनी लेवल में उन्होंने मदद करी है इस एरिए में, और अधिकतर हर एक बच्चा हिंदू हो मुस्लिम हो घर घर में सबको पता है कि शाहनवाज जी ने कितनी मदद करी है और क्या कर सकते हैं आगे के लिए।